हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? और अभी आज और आप सभी लोगों को हैप्पी शिवरात्रि। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर, तो मैं नहा के तैयार हो चुकी हूँ। अभी 10 बज रहे हैं, तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं मंदिर। मंदिर से आने के बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर क्योंकि आज है शिवरात्रि। और आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि गाइस मेरी तरफ से। तो अभी इस तरह से हम लोग इस रास्ते में से जा रहे हैं, और वैसे तो हम लोग मेन रोड से भी जा सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि चलो इस तरह से चलते हैं। और यहाँ जो जाने का जो व्यू है बहुत अच्छा है, आप लोग को दिखाऊंगी मैं। हरे भरे जो खेत खलिहान होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है देखने में, तो आप देख सकते हो। और आज शिवरात्रि है, लेकिन ना मैं फास्ट नहीं करती हूँ, नहीं रखती हूँ, और पहले रखती थी लेकिन बहुत साल हो गया है, आजकल नहीं रख रही हूँ। बस हम लोग सुबह से, अभी 10:30 बज रहे हैं, तो बस हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया है। पहले पूजा कर लेंगे और फिर जाके नाश्ता करेंगे। तो दिन भर का जो फास्ट है वो तो नहीं रखती हूँ, लेकिन बस पूजा करने तक का जो फास्ट होता है वो रख लेती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कितने अच्छा खेत खलियान, हरा हरा, सारे जो नज़ारे हैं वो हरा हरा दिख रहे हैं। तो ऐसा व्यू मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हो ये जो दिख रहा है पानी, वो तालाब है। तो वो तालाब की बस, मतलब तालाब से लगकर ही वो मंदिर है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग कभी कभार आ जाते हैं। और यहाँ का जो मंदिर है वो, बहुत सारे मंदिर हैं हमारे यहाँ गांव में, बहुत सारे हैं, आप जहाँ चाहो जा सकते हो। लेकिन ना ये हमारे घर से पास में पड़ता है, तो इसीलिए हम लोग यहीं पे आए हैं। और ये मंदिर का जो व्यू है वो भी बहुत अच्छा है, आपको दिखाऊंगी मैं। और आजकल आज शिवरात्रि है, तो इसी वजह से शायद मंदिर को अच्छे से पेंट भी किया हुआ है। और यहाँ पे लोग नहाने भी आते हैं, हमारे गांव के लोग नहाते भी हैं, और यहाँ पे पूजा पाठ जिनको करना होता है वो लोग करते हैं। तो हम लोग तो नहाने नहीं आते हैं क्योंकि हम लोग घर पर ही नहाते हैं। और हमारे यहाँ से ये थोड़ा सा, मतलब पूजा करने के लिए ठीक है, लेकिन नहाने के लिए बहुत दूर पड़ता है। तो बस अभी यहाँ से हम लोग पानी लेके जाएंगे और फिर पूजा वगैरह करेंगे। और आज के दिन जो शिवरात्रि का दिन होता है, आज के दिन बहुत सारे मंदिर में बहुत सारे लोग भीड़ होते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। हमारे यहाँ पास में मतलब होगा ही 3-4 किलोमीटर शायद। तो वहाँ पे एक मंदिर है जो कि बहुत अच्छा सा है, अच्छा मतलब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ होगी आज, तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं गए हैं, और बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है वहाँ पे। तो बस, और ये देखिए यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं। और पहले ये मंदिर नहीं था ना, तो ये बस यहीं पे ही हम लोग पूजा करते थे, बाद में मंदिर बना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी चढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है कि कृपया यहाँ पे जल ना चढ़ाएं, लेकिन सब लोग चढ़ा रहे थे तो हम लोग भी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। और मेरी भतीजी को मैंने फ़ोन दे दिया है, और आप वीडियो बनाओ बोल के, तो बस वो वीडियो बना रही हैं। और वैसे तो हम लोग सुबह से ही आना चाहते थे, लेकिन ना मुझे एक वीडियो एडिटिंग करना था, और फिर घर के भी कुछ नाश्ता वगैरह बनाने थे। और वो दीदी जो है वो मेरी काकी सास की जो बहू है छोटी वाली, वो है। और मतलब हम दोनों कहीं भी जाते हैं ना, हम दोनों ज़्यादातर ही जाते हैं। तो बस, और यहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। अभी हम लोग अंदर में पूजा कर लिए हैं, वो क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे पूजा करना था, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो कि मतलब देखते हैं, बोलते हैं कैसे कैसे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मतलब कुछ अलग तरीके से देखते हैं, वीडियो वगैरह बनाओ तो। और अंदर में ना थोड़ा सा पूजा पाठ में भी ध्यान रखना चाहिए, हमेशा वीडियो के पीछे भी नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाया है। और यहाँ पे मैं अपनी भतीजी को दे दी थी मोबाइल, तो वो बना रही हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग पूजा कर लेते हैं, और आप लोग भी तो गए होंगे ना पूजा करने के लिए, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग फास्ट रखते होंगे, लेकिन रखना चाहिए, अच्छी बात होती है, और सेहत के लिए भी। और ज़रूरी नहीं सिर्फ
भगवान के लिए और अपने सेहत के लिए भी रखना चाहिए फास्ट कभी कभार, हफ्ते में एक दो बार तो अच्छा होता है, लेकिन नहीं तो रख रही हूँ मैं, क्योंकि मैं आजकल नहीं रख पाती हूँ फास्ट, तो इसीलिए। और अभी हम लोग घर भी आ चुके थे तो माँ ही बना रही है खाना अपने खिलौनों के साथ और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा है और वो दिखा रही है अपना ड्रेस, तो वो इस तरह का ड्रेस आज बहुत ही थी, वो बहुत ही अच्छी दिख रही थी वो ड्रेस पहनकर, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी आप देख सकते हो। और यहाँ पे हस्बैंड कुछ कर रहे थे और वहाँ पे मेरी सासू माँ सो रही थी और दीदी भी जो लाई बोलते हैं उसको साफ कर रही थी। हेलो एवरीवन, और अभी अभी तो अभी मुझे टाइम मिला गाइस, सुबह से मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी सुबह से, लेकिन ना मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बात करने का, तो अभी जस्ट मैं फ्री हो रही हूँ। अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ क्योंकि अभी मैंने जो है किचन का, आज मेरा किचन का थोड़ा सा बदलाव किया है मैंने, और अब वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं ना पूरा जो मेरा किचन है छोटा सा उसको ऑर्गेनाइज किया है अभी अलग तरीके से, और मैंने कहा था आपको कि मैंने टेबल को बनवाने के लिए दिया है, तो बस मैंने कुछ डिब्बे वगैरह भी लाए हैं मार्केट से, तो उन सबको मैं अभी सेट करके रख रही थी, तो इसीलिए मुझे ना सुबह से जब हम लोग मंदिर से आए ना उसके बाद मैं आप लोग उसके साथ कुछ भी रूटीन अपना शेयर नहीं कर पाई। मैंने सोचा कि चलो किचन का आज जो भी काम है, जो भी साफ सफाई और जो भी मुझे इसमें जो भी कुछ बदलाव करने थे आज मैंने किया है, तो मैं दिखाऊंगी आप लोग को और आप लोग बताना मुझे कि कैसा है, अच्छा लगा कि नहीं मेरा किचन। तो और मैंने सोचा कि चलो अभी बात करती हूँ, और अभी 10:30 बज रहे हैं, मैंने खाना भी नहीं बनाया है, मैंने खाना भी अभी तक नहीं बनाया है, अभी बनाऊंगी। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इसको काम कर लेती हूँ, जो भी काम है वो पूरा करती हूँ, और हस्बैंड घर पे तो नहीं है, वो गए हैं प्रोग्राम, आज शिवरात्रि है, तो आप सभी को हैप्पी शिवरात्रि। वैसे तो शिवरात्रि जा चुका होगा ये ब्लॉग जब जाएगा मेरा, तो कोई बात नहीं फिर भी मैं कह रही हूँ। और आजकल ना गाइस मैं हिंदी में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, मैं ज़्यादातर जो संबलपुरी है वो ब्लॉग बना रही हूँ, तो इसीलिए मेरा हिंदी का जो ब्लॉग है वो एक एक दिन गैप हो जाता है, तो इसके लिए सॉरी। तो चलिए फिर आज का वीडियो का एंडिंग करती हूँ, पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ मेरा किचन कि मैंने क्या बदलाव किए हैं, थोड़ा सा बदलाव किया है ज़्यादा नहीं, आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, पहले से तो काफ़ी बेहतर है जिस अभी जो मैंने किया है, तो आप लोग भी देखिए। और अभी आप लोग देख सकते हो मेरा किचन, और किचन को मैंने बस थोड़ा सा ही चेंज किया है, क्योंकि जो टेबल था मेरा बड़ा वाला तो उसको मैंने बीच में से कटवा कर इसको बस लंबा कर दिया है, क्योंकि अच्छा होता है खाना बनाने में। और ये जो स्टिकर है किचन का वो मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि मैं लाई हूँ, बट मैं नहीं लगाई थी, तो आज मैंने लगा लिया है। और कुछ डिब्बे भी मैंने मार्केट से लेके आई हूँ आप देख सकते हो, ये है फ्लोरा फ्लावर का डिब्बा जो कि बहुत ही अच्छा सा है, और जो मैंने 3 सेट लाई हूँ मैं, जो तीन तीन होते हैं अंदर अंदर में, तो वही वाला है। तो आपको मेरा किचन कैसा लगा, और मैंने एक चॉपिंग बोर्ड भी लेके आई हूँ, तो प्लीज़ बताना मुझे मेरा किचन आपको कैसा लगा। और ये जो वीडियो है ये अगले दिन नेक्स्ट डे का है जो कि, और अभी अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा वो था फ्राइडे का, और ये है सैटरडे का, तो सुबह का टाइम है, मैं थोड़ा सा किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। और क्या होता है ना, ये जो मैं स्टिकर मंगवाई थी ना ये बहुत ही अच्छा है गाइस, सच में इसको मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, आप लोगों को अगर पता नहीं है तो बता देती हूँ। और इसका जो है ना वो बहुत ही अच्छा है, ये पूरा बिल्कुल चिपक जाता है, अच्छे से चिपकता है, आप देख सकते हो कहीं पे भी ना थोड़ा सा भी पता ही नहीं चल रहा है कि ये टाइल्स नहीं है बोल के, तो अगर आप लोग चाहो ना इसको ऑर्डर कर सकते हो। वैसे इसका लिंक मेरे पास नहीं है, जब होगा मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो अभी सुबह का टाइम है गाइस, गुड मॉर्निंग, और कल का वीडियो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ,
तो कल मैंने एंड नहीं किया था, आपको किचन दिखाया और फिर एंड भी नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो आज अभी एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर वीडियो। अगर आप लोग को मेरा कल का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। और किसी ने मुझे कहा था कि पैसे कटते हैं क्या, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करना बहुत फ्री होता है, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन होता है उसको भी प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और मेरे वीडियो को शेयर भी करना ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके आप लोगों की, और बहुत सारा सपोर्ट करते हो आप लोग, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए आज का वीडियो एंड करती हूँ, आज का नहीं कल का वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।